हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू शहरिश खान न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक ठाक और हमारी सारी फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। गाइस मैं गया बर्गर वाली दुकान पे, तो उसके पास हो गया था सब कुछ ख़त्म, सिर्फ उसके पास रह गई थी ब्रेड, तो मैं ब्रेड ले आया। तो घर में शामियाँ भी पड़ी है, कैचअप मायोनीज सलाद बस नहीं है, सब कुछ पड़ा है। तो मैंने कहा घर में जाके बर्गर बना लेते हैं, तो मैं ले आया हूँ, तो अब बर्गर बनाते हैं। मामा बना रही है, मामा गुस्सा है कि घर में ले आए हो। तो मामा को कर दिया बेराम, तो फिर भी मामा का दिल हो गया नरम, तो मामा उठ के बनाने लग गई है। तो चलते हैं, ये देखे गर्मी की वजह से काफ़ी दाने हो गया मुंह पे, एक दो तीन ऐसे, चलते हैं अब बनाते हैं। तो ये देखे गाइस, ये मामा ने इस दफ़ा सेक दिया, इस दफ़ा हो गया ज़रा अच्छे बर्गर। देखे गोल्डन गोल्डन कलर की क्रंची क्रंची हो गई है शामी, है मजे की लग रही है। अब कैचअप, इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी सलाद। वैसे गाइस आप बताना, बाहर से ले तो मायोनीस वो इतनी नहीं डाल के देते जितनी हमने डाली है घर में। अब अंडा ऊपर लगाएंगे, फिर सलाद थोड़ी सी। तो शायद मैं भी बर्गर, मैं खुद बर्गर बनाता तो ऐसा ना बनता जैसा मामा ने बनाया। ओनियन डाल दिया मामा ने, अब डाल दिया चाट मसाला के, स्पाइसी मज़ेदार बाहर की फीलिंग आई जैसे बाहर से मंगवा के खाया। तो ये देखे गाइस, अब हमारा अंडा हो रहा है फ्राई, इसकी भी आवाज़ आ रही है। ये देखे दानिश हाथ मारते हुए नजर आ गए गाइस। उधर बन रहे हैं बर्गर, तो मिठू बेचारा आवाज़ें निकालने लग गया कि मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो। ये देखे मामा का रिया बर्गर गरम, फाइनल और लास्ट स्टेज पे है बर्गर, फिर इसके बाद खाना ही है, बिल्कुल बाहर जैसी भूख है। गाइस मुंह में इतना पानी आ रहा है ना बर्गर देख के, रुका नहीं जा रहा, तो जल्दी से अब खा लूँ बर्गर, इतना पानी आ रहा है मुँह में। ये दानिश इंतज़ार में है बर्गर के। ये देखिए कटिंग हो गया बर्गर, मिठू हमारा करने लग गया था शोर, तो मैं थोड़े से बर्गर के ये पीस लेके आया हूँ, क्योंकि इसे कैचअप अंडा और सब चीज़ें मने इसके झड़ जाते हैं बाल। मिठू ये लें, ये पकड़ लें, इसने भी पकड़ लिया मिठू ने, मिठू नहीं है ले पकड़, इधर आ कर खुद ही आकर पकड़ लेगी यहाँ पे। मिठू इधर आ, इसके अंदर है। देखिए गाइस माशाल्लाह से जौन से बर्गर है ना, काफ़ी मज़े के लग रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा, तो मायोनीज कैचअप मम्मा ने डाल दी है, तो तोते शोर का आ रहे हैं, इसलिए आपको आवाज़ थोड़ी सी ठीक नहीं आएगी। तो शहरिश हो रही है, नहीं तो मैंने शहरिश को भी अंदर लाना था, शहरिश से बनवाना था बर्गर। तो आई लव यू माई मोम, आई लव यू, बहुत शुक्रिया मामा आपका, आपने बना दिया बर्गर। मामा चले गए अंदर, तब हम जाके खाते हैं बर्गर, डांस थोड़े से काम कर रहे हैं। ये बर्तन धो रहे हैं दानिश, जो से बर्तन के हुए थे वो अब दानिश धो रहे हैं, धोता है, तो फिर चलते हैं अंदर, तो बर्गर खाते हैं, तो फिर आपको बताते हैं, काफ़ी टेस्टी लग रहे हैं बर्गर। तो गाइस किसी ने ऐसे बर्गर बनवाने हो तो शहरिश खान व्लॉगिंग चैनल पे लास्ट में विज़िट करें, और शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए हमारा चैनल हाजिर है, आपको ऑर्डर बना के देता रहेगा ऐसे बर्गरों के। गाइस आप शुरू करने लगे बर्गर, ये जो सा तोड़ा है ये मिठू को दिया थोड़ा थोड़ा। सुबह का टाइम हो रहा है,
5:06। तो अब हम खाने लगे बर्गर। तो ये देखे गाइस, दानिश ने कर दिया बर्गर का पोस्टमार्टम, उसे पसंद नहीं है प्याज। तो दानिश, जो मामा जान ने बनाया वो मज़े का है या जो बाहर से लाते हैं वो? जो मामा जान ने बनाया वो। तो गाइस, मज़े का तो होना ही है। मैं भी खा के आया, मुझे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट लगा। ये हमारी मामा के हाथ लग गया इसलिए टेस्टी हो गया। तो गाइस, बस एक चीज़ की कमी रह गई है, वो सिर्फ कोक की। कोक होती तो बर्गर जो है ना बहुत मज़े का लगना था, वैसे भी काफ़ी मज़े का। काफ़ी कोक होती तो बस मज़ा डबल हो जाना था। हमारा हनी पीछे सोड है, देख रहे हनी। तो बस आज का व्लॉग यहाँ तक कि मामा की बर्गर के साथ। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप सब अपना ख्याल रखें और बहुत सारा प्यार शेरिश के चैनल को देते रहे। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। आई होप आप सबको आया होगा मामा के बर्गर की रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी अगले व्लॉग में सुबह। तो तब तक के लिए प्लीज़ बाय, अल्लाह हाफिज़।